प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित हैं, जिनको लिखने में हम ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, त्रुटियां करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द ऑफिस, ऑफिस। वापस, वापस। चिट्ठी, ठपर छोटी की मात्रा नहीं आती, चिट्ठी बड़ी की मात्रा आती है। मेडिकल, मेडिकल। बीमारी, बीमारी पर बड़ी की मात्रा आती है। आखिरी, आखिरी। भाग्य, भाग्य। लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स। लिफाफा, फ के नीचे नुक्ता आता है। अधिकार, जिसमें छोटी की मात्रा आती है। पुलिस में प पर छोटे उ की मात्रा आती है। सिविल, जिसमें भी दोनों पर छोटी की मात्रा आती है। पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक। संबंध में आधा म आता है। परिचित, परिचित, जिसमें दोनों छोटी की मात्रा आती हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में सुंदरकांड से संबंधित प्रसंग का परिचय दिया गया है। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। जब लंका का राजा रावण सीता को हरकर ले गया था, तो राम और लक्ष्मण वन वन सीता को खोजने लगे। एक दिन वे घूमते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे। उन्होंने सुग्रीव के साथ राम लक्ष्मण की मित्रता कराई। सुग्रीव ने सीता की खोज करने के लिए चारों ओर वानर भेजे। अब सुग्रीव ने हनुमान को सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में लंका की ओर भेजा। बच्चों, बातूनी पाठ के अंत में यह पंक्ति आई है जो सुंदरकांड से ली गई है। आज सुरन मोही दीन आहारा, यानी हनुमान अपने साथियों को जब लेकर चल दिए, तो समुद्र के किनारे पहुंचकर हनुमान ने अपने साथियों को वहीं रुकने के लिए कहा। अब वे समुद्र पार लंका की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिली। वह बहुत दुष्ट और भयंकर थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और उन्हें खाने के लिए तैयार हो गई। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर रास्ता छोड़ने की प्रार्थना की, पर सुरसा ने उनकी बात नहीं मानी। हनुमान ने फिर कहा कि मैं सीता माता की खोज करके शीघ्र ही लौटूंगा और प्रभु राम को उनका समाचार दे दूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। पर सुरसा राक्षसी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह फैलाया। हनुमान भी बड़े होशियार थे। उन्होंने छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा। भगवान की कृपा से उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, जिससे कि सुरसा उन्हें निगल ना सके। हनुमान का बढ़ा हुआ आकार देखकर सुरसा ने भी अपने मुंह का आकार बढ़ा लिया। इस तरह दोनों ही अपना आकार बढ़ाते गए। अंत में पवन पुत्र हनुमान ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया और वे सुरसा के बड़े मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर आ गए। सुरसा राक्षसी का मुंह खुला का खुला रह गया और भगवान के भक्त हनुमान लंका की ओर चल दिए। देखो बच्चों, बातूनी पाठ के अंत में लेखक कर्नल जिम कॉर्बेट की राह बातूनी से बचने के लिए कर रहा है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह सबसे पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है, यानी यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जाती है, ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्य जीवों को देखने का मौका मिले। यहाँ पर शीतकालीन रातें बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। देखो बच्चों, ज़्यादा बोलने की आदत कई बार हमें बड़ी मुश्किलों में डाल देती है। चलिए आज जानते हैं कि ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ने के लिए हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं। पहली कोशिश, ज़्यादा बोलने की बजाय चुप रहने का अभ्यास कीजिए, यानी कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश में
शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार कोशिश से हम ज्यादा बोलने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करना। देखो बच्चों, अपनी बात को बोलने की बजाय जो हमसे बात कर रहा हो, सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करना। सामने वाले की बातों को सुनने से आपको उनकी बातों का महत्व भी पता चलेगा और आप में संयम जैसे गुण भी विकसित होने लगेंगे। तीसरा, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से खुद को रोकिए। छोटी छोटी बात पर बहस करने के बजाय आप पहले बात को सुनिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। चौथा, शब्दों को सोच समझ कर चुनिए। ज्यादा बोलने की आदत से छुटकारा पाने के लिए कम बोलने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमारे शब्दों से सामने वाले के दिल को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पांचवा, बोलने से पहले सोचिए। अब तक भले ही आपका सारा ध्यान अपनी बात कहने पर रहा हो, लेकिन आप बोलने से पहले अपने विचारों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जो आप कहने वाले हैं, क्या वह जरूरी है? यह सवाल अपने आप से कीजिए और वही बातें बोलिए जो आपको जरूरी लगे। ऐसा करके हम कई बार बेकार की बातें बोलने से बच जाते हैं और यह ख्याल हमारी ज्यादा बोलने की आदत को कम करने में काफी मददगार साबित होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप बातचीत की कला में निपुण होना चाहते हैं तो आपको सात क का महत्व पता होना चाहिए। पहला क कि क्या बोलना। हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। दूसरा क, किससे बोलना। कई बार हम बेवजह हर किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किससे बोलना है। कई बार कुछ व्यक्तियों को इग्नोर यानी नकार भी देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम हर किसी से बात करें, तो हमें सोच समझ कर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किससे बात करनी है। तीसरा, किस लिए बोलना। कई बार बोलना जरूरी नहीं होता, चुप रहने से भी काम हो जाता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किस लिए बोलना। अगर चुप रहने से बात बन सकती है तो हमें व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए। चौथा क, किस तरह बोलना। परिस्थिति और समय के अनुसार बातचीत की कला भी अपना रंग दिखाती है, इसलिए हमें समय अनुसार और स्थिति को देखकर बात करनी चाहिए। और बड़े व्यक्ति से आदर के साथ, छोटे से प्रेम के साथ हमें बोलने का तरीका भी आना चाहिए। पांचवा क, क्यों बोलना। कई बार बिन बोले भी हमारे कुछ काम हो जाते हैं जहां हमारे बोलने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए। छठा क, कहां बोलना। हमें स्थान देखकर भी बात करनी चाहिए। कई बार सुखद परिस्थिति में दुखद बात नहीं करनी चाहिए, और जब हमारे कोई बड़े आदरणीय व्यक्ति हमें बात समझा रहे हों तो भी हमें शांतिपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। सातवां क, कब बोलना। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से समय, कौन सी परिस्थिति के अनुसार हमें बोलना है और कब हमें चुप रहना है। अगर हम इन सात क का ध्यान रखेंगे तो हम बातचीत की कला में सरलता से निपुण हो जाएंगे। इस तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।